इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके और वीडियो को इतनी शेयर कर दीजिए कि सभी किसान भाइयों को ये जानकारी उपलब्ध हो सके, क्योंकि आज की जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। कल 18 सितंबर है और कल के दिन जो है उत्तर प्रदेश के सीएम श्री आदित्यनाथ योगी जी कल समीक्षा बैठक करेंगे, मेरठ मंडल विकास के बारे में बात करेंगे और आपका जो गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा गंगा एक्सप्रेसवे, महत्वपूर्ण गंगा एक्सप्रेसवे है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 628 किलोमीटर बनाया जाएगा। इसी चीज़ को लेकर जो है कल समीक्षा बैठक की जाएगी और इस गंगा एक्सप्रेसवे पर क्या क्या कमी है और कहाँ कहाँ पर इस पर कार्य क्या हो चुकी, सारी बातों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि कल का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सभी किसान भाइयों को बहुत इंतजार है। और जिस तरह से गंगा एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए, जो कि 1.5 साल से जो पुराना अलाइनमेंट है, जो कि काशी से ही योगी आदित्यनाथ ने कुंभ के मेले में जो है जब डिक्लेयर किया था कि हम जो है गंगा एक्सप्रेसवे को काशी से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ समय से पहले जो है एक नया बवाल मच गया था, जिसको लेकर जो है जो पुराने अलाइनमेंट वाले हैं, जो कि एक नया अलाइनमेंट सामने आया था, पुराना अलाइनमेंट है जो कि काशी से स्टार्ट जो है पातापुर से स्टार्ट किया गया था, उस चीज़ को लेकर जो है उन्होंने बड़ी आक्रोश और उन्होंने यहाँ के डीएम, सांसद, विधायक से भी खास बातचीत की, लेकिन वो समाधान ना निकला। उसी बात को लेकर जो है योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में यहाँ के किसान भाई गए और योगी आदित्यनाथ जी को जो पीड़ा है वो सुनाई गई है, क्योंकि यहाँ के जो यहाँ के बेनामे या सर्वे वगैरह जो है सब कुछ कार्य कम्प्लीट जो है 1.5 साल के अंदर सब कुछ सम्पूर्ण कर लिया गया था, उसके बावजूद भी जो अचानक जो है इसको चेंज कर दिया गया था। उसी चीज़ को लेकर जो है योगी आदित्यनाथ जी ने जांच कराई गई है और कल वो दिन आ चुका है, समीक्षा बैठक जो होगी कल, उस समीक्षा बैठक में यही इसी चीज़ पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि जो जांच की गई है और इसी चीज़ को लेकर जो कि कार्य था, जो गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य था, उसको योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार जो है उसको स्टॉप कर दिया गया था। दूध का दूध पानी का पानी कल हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ कल क्या डिसीजन लेते हैं, कल क्या अधिकारी उनसे बातचीत करते हैं, क्या इस पर डिसीजन आता है कल शाम तक कि गंगा एक्सप्रेसवे क्या काशी से बनाया जाएगा या हाजीपुर से बना जाएगा। अब मैं एक माध्यम से बता रहा हूँ कि ये जो कल सीएम योगी आदित्यनाथ जी कल जो बैठक करेंगे, जो आज की न्यूज़पेपर में भी छपी है, उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले पर मैं एक डिस्प्ले पर एक इमेज शो कर रहा हूँ, जिसको मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूँ, जिस पर लिखा हुआ है सीएम कल करेंगे मेरठ के विकास कार्य की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 सितंबर को मेरठ मंडल और जिले के विकास कार्यों को समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री हर मंडल और जिले के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। मंडल और जिले में एक्सप्रेसवे व अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन आदि के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। करीब एक सप्ते पूर्व ही शासन स्तर से हर मंडल और जिले की मुख्यमंत्री स्तर पर समीक्षा की सूचना दी गई है, उसके बाद ही लगातार कमिश्नर और डीएम के स्तर पर जानकारी ली गई है। अब 18 को मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेरठ मंडल जिले की समीक्षा करेंगे। इधर अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, जो मंडल मेरठ के जो अधिकारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ, जो सूबे के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, कल इन बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे और कल अब तक क्या कार्य हो चुका है, गंगा एक्सप्रेसवे हो चाहे और भी एक्सप्रेसवे हो, उनकी सभी पे समीक्षा बैठक कल की जाएगी और उसके बाद कल देखते हैं कि निर्णय किसकी तरफ लिया जाता है, क्या गंगा एक्सप्रेसवे काशी से बनेगा, क्या हाजीपुर से बनाया जाएगा। ये अब हमारे योगी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी है, उनके ऊपर अब निर्भर है कि अब क्या होता है। कल देखते हैं कल न्यूज़ में क्या छप के आता है, कल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या सूचना हमें मिलेगी। जैसे ही हमें सूचना मिलेगी, हम आपको तुरंत उसकी सूचना आप लोगों को बता देंगे।